गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड ट्यूट में यूनिट 7 है वर्कबुक में जो उसकी एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 59। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 59। टॉप्सी टूर्वी लैंड। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि टॉप्सी टूर्वी लैंड है उस पर क्या है। तो बच्चों टॉप्सी टूर्वी लैंड मीन्स अपसाइड एंड डाउन साइड। तो यहाँ जो पर्सन है वो पैर से चलते हैं, यानी कि उनके जो पैर है वो ऊपर की तरह और सिर नीचे की तरह होती है। और हमारे यहाँ सब जो बच्चे होते, जो स्टूडेंट्स होते, वो डे में स्कूल जाते और वहाँ के बच्चे नाइट में जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनका जो घर होता है, वो जो फर्स्ट फ्लोर होता है, वो हमारे आगे की तरह होता है और जो टॉप्सी टूर्वी लैंड है उसमें पीछे की तरह होता है। वैसे ही वो जो पर्सन है वो सिर पर नहीं लेकिन पांव पर हेट पहनते हैं। और वो जो बस होती है वो पानी में चलती है और वो जो नाव होती है वो मिट्टी पर चलती है, यानी कि सब वो जो सब है वो उलट सुलट है। तो उसकी एक्सरसाइज वो आज हम करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द पीपल वॉक इन टॉप्सी टूर्वी लैंड। टॉप्सी टूर्वी लैंड में जो पीपल है, जो व्यक्ति, वो कैसे चलते। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि वो हेड से चलते, मीन्स अपने सिर सर के पाँव के बल पर, सर के बल पर जो उनके जो हैंड होते हैं उस पर चलते हैं। तो बच्चों मैंने पहले से आपको वर्कबुक में कम्प्लीटली लिख कर दिया है और मैं इस वीडियो के साथ एक PDF भी आपको देती हूँ। तो आपको अभी एक बार समझकर बाद में आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा, इन टॉप्सी टूर्वी लैंड पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, वो सिर के बल पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सी मेड ऑफ इन टॉप्सी टूर्वी लैंड, यानी कि टॉप्सी टूर्वी लैंड मीन्स जमीन है, सी मीन्स जो हम हमारी मातृभाषा में कहते हैं दरियो। तो दरिया में कैसे वो चलती है, मीन्स कैसे उसकी सी बनी होती है। तो वो मिट्टी से बनी होती है। तो हम लिखेंगे द सी इज मेड ऑफ सैंड इन टॉप्सी टूर्वी लैंड, यानी कि वो जो बस होती है वो सी में चलती है और जो नाव है वो पानी में, सॉरी नाव है वो मिट्टी पर चलती है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वेन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टूर्वी लैंड, यानी कि टॉप्सी टूर्वी लैंड में जो चिल्ड्रन है वो स्कूल कब जाते। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि टॉप्सी टूर्वी लैंड के जो बच्चे हैं वो नाइट में, यानी कि रात में स्कूल जाते। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, इन टॉप्सी टूर्वी लैंड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। टॉप्सी टूर्वी लैंड इन द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का, वेयर इज द फ्रंट डोर स्टेप इन टॉप्सी टूर्वी लैंड, यानी कि वो जो टॉप्सी टूर्वी लैंड पर जो हाउस का जो फर्स्ट जो डोर है, जो जिसमें से हम एंटर होते वो कहाँ होता है। तो बच्चों हमने सीखा था कि टॉप्सी टूर्वी लैंड पर जो गेट यानी कि डोर होते हैं वो पीछे की तरफ होता है। तो हम बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, इन टॉप्सी टूर्वी लैंड द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यानी कि पीछे की तरफ होता है। तो बच्चों आप ऐसे अपने वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का, इन टॉप्सी टूर्वी लैंड व्हाट आर पीपल व्हेन दे स्टैंड, यानी कि टॉप्सी टूर्वी लैंड पर व्हाट आर पीपल डूइंग व्हेन दे स्टैंड, जब वो स्टेबल होते वो खड़े होते तो वो क्या करते हैं। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि वो वॉकिंग करते, यानी कि जब जब वो खड़े होते हैं, यानी कि जब वो ये फील करते कि हम खड़े हैं लेकिन वो खड़े नहीं रहते, वो वॉकिंग करते हैं। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं,
इन टॉपसी टर्विलेंट पीपल आर वॉकिंग, पीपल चल रहे, व्हेन दे स्टैंड, जब वो खड़े होते तब चल रहे हैं। तो बच्चों आप ऐसे अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट सेवंथ नंबर, वेयर डू द बसेस एंड बस ट्रेवल्स इन टॉपसी टर्विलेंट, टॉपसी टूर्वी लैंड पर बसेस एंड बोट्स कहाँ चलती है। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि टॉपसी टूर्वी लैंड में जो बसेस है वो सी में चलती है, और जो ट्रैवल्स है यानी कि जो लोग ट्रैवल्स करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो मिट्टी पर जो बोट चलती है उसमें करते हैं। तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, इन टॉपसी टूर्वी लैंड द बसेस ट्रैवल ऑन द सी, यानी कि बस की जो ट्रैवल्स होती है वो सी में होती है, समुद्र में होती है। एंड द बोट्स ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट, एंड जो स्ट्रीट में जो ट्रैवल्स होती है वो बोट्स में होती है, यानी कि मिट्टी पर बोट्स चलती है। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। तो आप अपनी वर्कबुक में आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट एट नंबर, इन द पोएम, इस पोएम में इफ द बसेस ट्रैवल ऑन द सी, यानी कि सी, इफ द ट्रैवल ऑन द सी, यदि बस जो सी में ट्रैवल करती है, देन वेयर डू द बोट्स ट्रैवल, यदि सी में ट्रैवल वो बस करती है तो बोट कहाँ ट्रैवल करती है, हाउ शुड इट राइटली बी, आपकी तरह से कैसे सही होना चाहिए। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि जो वो बसेस है वो सी में ट्रैवल करती है, और जो बोट है वो मिट्टी यानी कि सैंड में ट्रैवल करती है। तो हमारी तरफ से यानी कि हमारी सोच से राइटली बसेस शुड ट्रैवल ऑन द रोड, यानी कि बस को रोड पर ट्रैवल करना चाहिए, और वो जो बोट्स होती है उसको सी में ट्रैवल करना चाहिए। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बोट्स ट्रैवल ऑन द रोड राइटली, द बसेस शुड ट्रैवल ऑन द रोड एंड द बोट्स शुड ट्रैवल ऑन द सी, यानी कि बस को रोड पर ट्रैवल करना चाहिए और बोट यानी कि नाव को सी में ट्रैवल करना चाहिए, यानी कि जो रोड होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं तो उस पर बस को ट्रैवल होना चाहिए, सी में पानी होता है तो वो जो बोट्स होती है वो पानी में ट्रैवल होनी चाहिए। तो बच्चों आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर, इन टॉपसी टूर्वी लैंड व्हाट डू पीपल पे फॉर, टॉपसी टूर्वी लैंड पर व्हाट डू पीपल पे फॉर, जब टॉपसी टूर्वी लैंड पर पीपल कोई भी चीज या वस्तु खरीदने जाते हैं तो वो पैसे पे करते हो तो क्या होता है। तो बच्चों टॉपसी टूर्वी लैंड पर जब कोई भी वस्तु हमें चाहिए तो हम जो पे करते हैं पैसे तो हमें कुछ नहीं मिलता, यदि आप पे नहीं करते हो तो ही आपको कुछ वस्तु मिलती है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, इन टॉपसी टूर्वी लैंड पीपल पे फॉर व्हाट दे नेवर गेट, यदि कोई भी व्यक्ति वो भी वस्तु यानी कि थिंग्स का पैसे देते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, इन टॉपसी टूर्वी लैंड पीपल पे फॉर व्हाट दे नेवर गेट, वो कुछ नहीं ले सकते उस यानी कि उनको कुछ नहीं मिल सकता यदि वो पे करते हैं। टेंथ नंबर का, इन टॉपसी टूर्वी लैंड व्हाट आर पीपल डूइंग व्हेन दे गो, यानी कि टॉपसी टूर्वी लैंड पर जब पीपल कहीं जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि यदि टॉपसी टूर्वी लैंड में पीपल जाते हैं तो वो पीछे आते हैं, यदि पीछे आते तो वो जाते हैं, सब कुछ उलट सुलट होता है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, इन टॉपसी टूर्वी लैंड पीपल आर कमिंग बैक व्हेन दे गो, यानी कि जब वो जा रहे तो वो
पीछे आ रहे ऐसा होता है। तो आप ऐसे आपकी वर्कबुक में आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बुक। आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। मैंने आपको बच्चों जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर सर्कल भी किया है और राइट साइड जो बॉक्स है उसमें भी लिख कर दिया है। यदि आपको पीछे बॉक्स में नहीं दिखता तो आप सर्कल के हिसाब से बॉक्स में लिख सकते हो। फर्स्ट है इन टॉपसी टर्विलेंट पीपल गो। तो टॉपसी टर्विलेंट में पीपल कैसे चलते हैं, तो वो सिर पर चलते हैं। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए अपॉन देयर हेड्स, वो सिर पर चलते हैं। आप यदि टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि वो सिर पर चलते हैं। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट सेकंड, इन टॉपसी टर्विलेंट द सी इज मेड ऑफ। टॉपसी टर्विलेंट में जो सी होता है वो किसका बना होता है, तो बच्चों वो मिट्टी का बना होता है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन आएगा बी। टर्न द पेज, टर्न द पेज। इन टॉपसी टर्विलेंट द चिल्ड्रन प्ले एट नाइट। टॉपसी टर्विलेंट में बच्चे कब स्कूल जाते हो, नाइट में स्कूल जाते। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी गो टू स्कूल, सी गो टू स्कूल। फोर्थ नंबर, इन टॉपसी टर्विलेंट द फ्रंट डोर स्टेप इज। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि टॉपसी टर्विलेंट में जो आगे का डोर है वो पीछे की तरफ है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी एट द बैक। इन टॉपसी टर्विलेंट द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, इन टॉपसी टर्विलेंट यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। टॉपसी टर्विलेंट में जब आप खड़े हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप चल रहे हो। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। फिफ्थ में ऑप्शन आएगा बी वॉकिंग। सिक्स नंबर, इन टॉपसी टर्विलेंट यू वियर यू हेड अपॉन योर फीट। तो मैंने बच्चों आपको आगे कहा था कि टॉपसी टर्विलेंट में जो लोग है वो हेड जो टोपी होती है वो फीट यानी कि पैर पर पहनते हैं, ना कि सिर पर। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी अपॉन योर फीट। नेक्स्ट सेवन नंबर, इन टॉपसी टर्विलेंट द बसेस ट्रैवल। तो बच्चों हमने सीखा था कि बस कहाँ ट्रैवल कर, तो वो सी में ट्रैवल कर रही। तो बच्चों हम लिखेंगे डी ऑन द सी, सी सेवंथ में डी ऑन द सी। एट नंबर, इन टॉपसी टर्विलेंट द बोट्स ट्रैवल। टॉपसी टर्विलेंट में बोट्स कहाँ ट्रैवल करती है, वो रोड पर ट्रैवल करती। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए ऑन द रोड, ऑन द रोड। नाइन्थ नंबर, इन टॉपसी टर्विलेंट यू पे फॉर। टॉपसी टर्विलेंट में यदि आप पैसे पे करते हो तो आप कुछ नहीं ले सकते, मीन्स कि आपको कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी व्हाट यू नेवर गेट, वॉट यू नेवर गेट। नाइन्थ नंबर में आएगा वॉट यू नेवर गेट। नेक्स्ट टेंथ नंबर, इन टॉपसी टर्विलेंट यू व्हेन यू गो। टॉपसी टर्विलेंट में यदि आप जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे आ रहे हो। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी यू आर कमिंग बैक, यू आर कमिंग बैक। नेक्स्ट बच्चों, राइट फोर वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विथ वर्ड लेंथ। तो बच्चों आप फीट मीट सैंड लेंथ ऐसे भी राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो। स्टैंड सेंड ग्रांड प्लांट ऐसे भी आप ये जो वर्ड्स है राइमिंग वर्ड आप लिख सकते हो, आप लिख देना। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। हमें यहाँ कुछ मीनिंग्स दिए हैं, जो वर्ड्स दिए उसके मीनिंग लिखना है। तो बच्चों टॉपसी टर्वी, तो बच्चों हमने सीखा था इस पोएम के सब कुछ उलट सुलट मीन अपसाइड डाउन।
यानि कि हम बच्चों को डे में भेजते तो वहाँ नाइट में भेजते, हम पाँव से चलते तो वहाँ सिर से चलते, वहाँ जो जो बोट होती है वो मिट्टी पर चलती है तो यहाँ जो बोट होती है तो वो पानी में ट्रैवल करती है, यहाँ हम जो बस जो होती है वो रोड पर ट्रैवल करती तो जो टॉप्सी टूर्बुलेंट में वो पानी में ट्रैवल करती है। ऐसे ग्रैंड मीन्स ग्रेट मीन्स महान, टू प्लान मीन्स टू डिसाइड मीन्स कोई भी बात डिसाइड करना, ग्रैंड मीन्स ग्रेट मीन्स महान। तो बच्चों आज हमने यूनिट 7 टॉप्सी टूर्बुलेंट की जो एक्सरसाइज थी वर्कबुक में पेज नंबर 59 और 60 पर वो आज हमने की है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम गुलीवर्स ट्रैवल्स की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो बच्चों आपको मैं फिर से कहती हूँ कि जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आए उसके पहले आपको सबसे पहले फिर से एक बार गुलीवर्स ट्रैवल्स जो मैंने आपको लेसन सिखाया था वो आपको फिर से एक बार रीड करना है, ताकि आपको जो ये आंसर है वो आप दे सके। क्योंकि हम जब हमारी एग्जाम होगी तो उसमें ये जो आंसर है वो आएंगे। तो बच्चों आपको मैं कह दूँ फिर से आपको हमारी जब नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो आपको वर्कबुक लेकर बैठना है, ताकि हमारी जो अगली एक्सरसाइज गुलीवर्स ट्रैवल्स गुलीवर की जो ट्रैवल्स थी उसकी एक्सरसाइज हम कर सके। तो आपको पेंसिल रबर और शार्पनर लेकर बैठना है। तो बच्चों थैंक यू।